रसितं मधुरं ललितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं बालकृष्णकन्यालाल की जय। बालकृष्ण परमात्मने नमः। चरणारविंदे षोडशोपचार पूजार्थं परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते अक्षतां गृहीत्वा अक्षत लेके अनेन अनेन यथा शक्ति यथा भक्ति यथा मति अनुसारेण कृत संक्षिप्त बालकृष्ण पूजनेन भगवान श्री बालकृष्ण सुप्रीतः प्रसन्नो वरदो भवतु। कृष्ण कन्हैयालाल की, बालकृष्ण भगवान की। भगवान बालकृष्ण का छोटा सा संक्षिप्त पूजन किया। अब भगवान गोवर्धन का पूजन होगा। गोवर्धन पूजन का पूजन की ये परंपरा बहुत प्राचीन है। बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है। विशेषतः हमारे पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी आज के दिन भगवान गिरि गोवर्धन को, गोवर्धन भगवान को कई प्रकार की सामग्रियां भोग में लगाई जाती है और भगवान का गोवर्धन पूजा होता है। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु के अवतारों का पूजन होता है। तो हमारे मंदिर में दो भगवान विष्णु के अवतार है, बोलिए जैसे कृष्ण, एक गोविंदा और एक आज भगवान गोवर्धन। तो आपको आश्चर्य होगा ये दोनों अवतार 24 अवतारों में नहीं है, बोलो जैसे कृष्ण, और फिर भी बोलते हैं वो विष्णु भगवान का अवतार है। वेंकटेश्वर भगवान भी कृष्ण के अवतार है, महाविष्णु के अवतार है और गोवर्धन भगवान भी उनके अवतार है। मगर आपको कहीं भी 24 अवतारों में ये दोनों नाम नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोनों अवतार कलयुग में हुए। भगवान का जो वेंकटेश्वर अवतार है, बालाजी अवतार है, वो भी कलयुग में हुआ और हमारे गिरिराज जी भी कलयुग में हुए। क्या हुआ कि कृष्ण भगवान के कई काम अधूरे रह गए थे क्योंकि भगवान बहुत बिजी रहे, बोलो जैसे कृष्ण, बचपन से लेके लोगों ने इतना बिजी कर दिया भगवान को, इतने काम सौंप दिए, कभी राक्षस आता था, कभी मामा भेजते थे, कभी मामी भेजती थी, कोई ना कोई तकलीफें जीवन में आती रहती थी, एक सेकंड की शांति नहीं होती थी। तभी भगवान ने कहा था यही कलयुग का लक्षण है, मन में कभी शांति आएगी नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम आता जाएगा आता जाएगा, एक इच्छा पूरी होगी आगे 10 इच्छा खड़ी हो जाएगी। इंडिया से तो अमेरिका आने की इच्छा, अमेरिका आए तो ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड आया तो सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप आने के बाद में सोशल सिक्योरिटी के पैसे का हिसाब। एक के बाद इच्छा आती है। भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत सारे काम कर दिए और सज्जनों बहुत सारे काम आधे छूट गए। माँ यशोदा का एक काम आधा छूट गया। यशोदा को मिलने कृष्ण कभी वापस नहीं आए, ये बहुत दुख भरी बात थी। जिन्होंने धन का दूध पिलाया कृष्ण को, 8 साल का बड़ा 11 साल का बड़ा कर दिया, लोगों के घर में मेहनत कर करके कृष्ण को खिलाया और वो ही कृष्ण यशोदा को मिलने के लिए 100 साल में एक बार भी नहीं आया। और 100 साल के बाद में जब यशोदा मिली और दोनों में बातचीत हुई तब यशोदा ने कहा कृष्ण तुम एक बार भी मिलने नहीं आए, इतने बिजी हो गए। भगवान ने कहा जो हो गया वो हो गया, अब छोड़ो, अब क्या चाहिए वो बोलो। यशोदा ने कहा कि मुझे दो चीज चाहिए और मगर कृष्ण तुम नहीं दे सकते हो। बोले क्या, बताओ क्या चाहिए, मैं भगवान हूं मैं कुछ भी दे सकता हूं। यशोदा ने कहा दो ही चीज चाहिए, एक तुम्हारे बच्चों को मेरे गोद में खिलाने की इच्छा है और अभी तुम 100 साल के बुढ़े हो, बोलो जैसे कृष्ण, तुम 100 साल के हो चुके हो और तुम्हारी इतनी सारी पत्नियां हैं, उनके घर में बच्चे हैं, बच्चों के घर में भी बच्चे हैं, अब तुम्हारा बच्चा कहां से आएगा। इच्छा थी मुझे मेरे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को मेरी गोद में खिलाने, मगर संभव नहीं है। एक मैं कृष्ण फेल हो गए। दूसरी इच्छा बताई कृष्ण, मेरी दूसरी इच्छा ये है
कि मैं तुम्हारी शादी कराऊं। हर मां चाहती है अपने बच्चों की शादी धूमधाम से। कृष्ण मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया, पूरी दुनिया से पैसा भीख मांग कर लिया, तुम्हारा सर तुम्हारी बड़ी शादी करा दी मैं, ये इच्छा है मेरी, पूरी कर सकते हो कृष्ण? कृष्ण ने कान पकड़ के कहा मां नहीं कर सकता, मगर चिंता मत करो, तुम्हारी ये दोनों इच्छा पूरी करने के लिए मैं कलयुग में फिर से आऊंगा। और वही भगवान कृष्ण कलि काल में वेंकटेश्वर भगवान बनकर साउथ में दक्षिण भारत में आए और उन्होंने ये दोनों इच्छा पूरी की, नित्य कल्याण, रोज आज भी उनकी शादी होती है, पूरे गांव से नहीं भगवान से पैसा मांग मांग कर बहुत बड़ी शादी हुई, लोग अभी भी पैसा उसका कर्जा भगवान भर रहे हैं, मां ने इतना कर्जा कर दिया भगवान अभी भी चुका रहे हैं, तो लोग कुबेर को दे रहे, मामा को पता है तो अपना बाल भी निकाल के दे देते, भगवान ले लो, मगर शादी का कर्जा अभी तक नहीं खत्म हुआ। इच्छा भगवान ने पूरी की उस अवतार में, और एक इच्छा रह गई थी जब भगवान ने कथा आप सबको पता है, भगवान ने गिरि गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर धारण किया आज के लिए, और जब उन्होंने गिरि गोवर्धन को धारण किया और 9 दिन तक उन्होंने पर्वत को अपने हाथ में धारण करके रखा, कुछ न खाया न भगवान ने कुछ पिया, मगर देखिए भगवान बीच में है, एक उंगली पर गिरि गोवर्धन, पूरा पर्वत भगवान के आसपास में 900,000 गाय, बोलो जय श्री कृष्ण, 900,000 गाय के आसपास में खड़ी थी, बीच बीच में गोपाल खड़े हैं उनके मित्र डंडा लेकर, बहुत दूर गोपिकाए खड़ी है और सबसे पीछे यशोदा खड़ी है, सब लोगों को भगवान दिखे, गायों को भगवान दिखे, गोपालों को भगवान दिखे, परंतु यशोदा को और व्रजांगनाओं को, मतलब सब गोपिकाओं को भगवान ठीक से नहीं दिखे, क्योंकि भगवान बहुत दूर थे, बीच में 900,000 गाय थी, ठीक से दिखे नहीं, और समय कहां चला गया पता नहीं चला। इंद्र भगवान आए, माफी मांगी, कथा आप सबको पता है, और बाद में भगवान ने गिरि गोवर्धन को नीचे रख दिया। जब उन्होंने गिरि गोवर्धन को नीचे रख दिया तो गोपिकाओं ने कंप्लेन की भगवान को, भगवान ये क्या बात हुई, आपने पर्वत धारण किया था, कितना सुंदर रूप था, पीला पीतांबर, सुंदर कपड़े, अलंकार आभूषण, एक हाथ ऊपर और लग रहा था कि आप थक गए तो एक हाथ आपके कमर के ऊपर, परंतु भगवान ठीक से दर्शन नहीं हुआ क्योंकि चश्मा नहीं लगाया था, बोल रहा था बहुत दूर थे प्रभु आप, ये दर्शन फिर से कब होगा। भगवान ने कहा गिरि गोवर्धन एक ही बार उठा सकते हैं, अब नहीं उठा सकता, अब हो गया, नहीं प्रभु हमें दर्शन करना है। कहा चिंता मत करो, आप सब लोग एकादशी के दिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर आना मेरे लिए मक्खन मिश्री और भोग लेकर, मैं तुम्हें इसी स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। तब बहुत दिनों के बाद में एकादशी के दिन सभी व्रजांगनाएं, सभी गोपिकाएं हाथ में सुंदर अन्न लेकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर गई और वहां एक गिरी कंदरा थी, कंदरा को गुजराती में गुफा कहते हैं, गुहा, तो उस गिरी कंदरा की गुफा दरवाजे के ऊपर कृष्ण भगवान खड़े हो गए, उन्होंने एक हाथ ऊपर उठा लिया और दूसरा हाथ अपने कमर में रख दिया। अंतर देखना सज्जनों, अश्विनी जी का हाथ ऐसा है, एक उंगली नहीं है, क्योंकि सिन्हा जी ने पर्वत नहीं उठाया, पर्वत उठाने का पोज दिया है, बोलो राधे राधे, पर्वत उठा उन्होंने एक्शन किया, तो उन्होंने एक हाथ ऐसा कर दिया, ऊपर उसका दरवाजा था तो उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, लग रहा था मानो भगवान ने फिर से गोवर्धन उठाया, तो हाथ ऊपर उठा दिया, एक हाथ अपनी कमर में रख दिया, गोपिकाएं और चांदनाएं ऊपर चलती हुई चली गई, उन्होंने दर्शन किया और इतना बोल दिया भगवान स्थिरो भव, ऐसा ही रहना, कहीं जाना मत। भगवान ने कहा ये तो लीला है, लीला करके मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैं वचन देता हूं जब कलयुग आएगा तो इसी जगह से फिर से मेरा प्रागट्य होगा। और कलि काल में फिर वल्लभाचार्य आए और वल्लभाचार्य पृथ्वी की परिक्रमा करते करते जब गिरि गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए तब उनको भगवान का ये श्रीनाथ जी के मूर्ति का दर्शन हुआ। अंदर से उन्होंने कथा बड़ी लंबी है, अंदर से उन्होंने श्रीनाथ जी को बाहर निकाला और उनको पाट पर पधराया, मतलब उनके प्राण प्रतिष्ठा की, और सुंदर मंदिर गिरिराज के ऊपर बनाया। बहुत साल तक भगवान श्रीनाथ जी गिरिराज जतिपुरा में विराजे, वहीं पर रहे, और फिर कलयुग में एक अजो कुमार बाई आई, उन्होंने भगवान को पति रूप में भजा और कहा प्रभु मैं आपको मेवाड़ ले जाना चाहती हूँ, और बाद में अजो कुमार बाई भगवान श्रीनाथ जी को लेके वहां से मेवाड़ श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजस्थान में चले गए। तो ये है भगवान श्रीनाथ जी का चरित्र, श्रीनाथ जी गिरि गोवर्धन और भगवान बालाजी, ये दोनों भगवान के कलयुग के अवतार हैं।
तो आइए सब लोग मिलकर भगवान गिरि गोवर्धन की पूजा करेंगे, गिरि गोवर्धन के दर्शन करेंगे। बहुत सारी घर से बनाई हुई सामग्री प्रभु के आगे धरी हुई है, भगवान आरोगेंगे, भगवान को आरोगाएंगे, भोजन करवाएंगे और बाद में भगवान की आरती करेंगे। घर से आई हुई सामग्री हमारा प्रेम है, प्रेम भगवान के चरणों में धर दिया, अब किसकी सामग्री कहाँ है खोजना मत, बोलो राधे राधे। क्योंकि दो प्रकार के फाफड़े होते हैं, चार पांच प्रकार की जलेबियां और कई प्रकार, अगर सब लोग खोजे कि मेरा ये है नहीं मेरा ये है, अब यहाँ आ गया तो सब अब प्रभु का है। आइए सब लोग मिलकर भगवान गिरि गोवर्धन का पूजन करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करिए और भगवान गिरि गोवर्धन को प्रणाम।